दोस्तों 1949 की फिल्म अंदाज का एक गाना है, तू कहे अगर जीवन भर में गीत सुनाता जा। बड़े शौक से लेकिन किसी गरीब के दिल को बचाती। हमने आपका पियानो ही नहीं सुना। डांस और कैबरे के अलावा कुकू ने 1949 की फिल्म अंदाज में राज कपूर, दिलीप कुमार और नरगिस जैसे बड़े नामों के साथ भी अभिनय किया था। अंदाज दिखाना शुरू कर दिया आपने? अरे साहब आप देखिए, ये घर नहीं जाएंगे। मालूम तो कुछ ऐसे ही होता है। आप घर नहीं जाएंगे साहब? जी नहीं, हम तो पियानो सुन के ही जाएंगे। आपको गाना गाना आता है? जी जी। पियानो पर उंगलियां चलाते दिखाए गए दिलीप कुमार के लिए इस गाने को मुकेश जी ने स्वर दिया था। एक पार्टी में मेहमानों के सामने दिलीप कुमार नरगिस को रिझा रहे हैं। लगाया जा रहा है, मन मेरा महक रहा है, संभलना कहीं गश ना आ जाए। ऐसी सुपरहिट जोड़ी पर फिल्माए जाने के बावजूद ये गाना हमेशा एक ऐसी अभिनेत्री का रहेगा जिसे जमाना शायद ही भूल गया है। जी बिल्कुल दोस्तों, मैं कुकू मोरे की ही बात कर रही हूँ। दरअसल इस गाने में जो डांस करती हुई दिखाई देती है वो कुकू ही है। इस गाने में मुख्य कलाकारों के बैकग्राउंड में किसी समुद्री लहर की तरह हलकोरे खाती हुई सफेद साड़ी में लिपटी व नृत्य करती हुई अभिनेत्री कुकू न होती तो इसे एक रूटीन गीत बनकर रह जाना था। ये तो जल जाओगी। मैं क्यों जलती? कहा था ना कि आग लग जाएगी। झूठ समझते हो तो पूछ लो, ये बात है। इस फिल्म के बनते समय कुकू 21 साल की थी। अलबत्ता उस जमाने में शायद ही कोई ऐसी बड़ी फिल्म होगी दोस्तों जिसमें इन्हें ना लिया गया हो। तब बोलती हुई फिल्मों को आए करीब 15 साल हो चुके थे। शोभना समर्थ और देविका रानी जैसी मजबूत अदाकाराएं अपना कल्ट स्थापित कर चुकी थी। शीला नाच दिखाने पर आमादा हो गई है और मेहमान आपका गाना सुनने के मुश्ताक हैं। आज अगर आप जहर खाने का भी हुक्म दें तो कम वक्त हो जाए इनकार कर दें। लेकिन वो ऐसा दौर था दोस्तों, नाचना तो दूर की बात थी। ऐसे में ये 1944 का साल था जब दुनिया ने पहली बार कुकू को देखा। गुलाब जैसी ताजगी से लबरेज इंग्लो इंडियन मूल की इस लड़की ने स्क्रीन पर आने के साथ ही अपने लिए एक खास जगह पैदा कर ली। भावपूर्ण आँखों वाली इस अभिनेत्री के पैरों की गति में बिजली की तेजी और हवा जैसी अलहड़ लय थी। महबूब खान, हरनाम सिंह रावल और देवेंद्र गोयल जैसे निर्देशकों ने इन्हें एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम दिया। आइए डांस करें। अनुमन इन्हें पूरी फिल्म में एक गाने के लिए लिया जाता था जिसमें ये अपने शानदार नृत्य के प्राण फूंक देती थी। इनके अद्भुत चमकीले नाच में गति, लोच और शिष्टा का दुर्लभ संयोजन होता था। ये दूसरी तरह से खूबसूरत थी और बगैर अश्लील दिखे ये सीड्यूस कर सकती थी। इनकी पहली फिल्म थी मुजरिम जो 1944 में रिलीज हुई थी। इसके बाद की महत्वपूर्ण फिल्मों में पहली नज़र, अरब का सितारा, अनोखी अदा, बाजार और आवारा के नाम लिए जा सकते हैं। अरे नीना, ये मर्दों की कौम बड़ी डेंजरस होती है। इनसे ये कभी ना कहना कि हम मरते हैं, वरना घास खाने छोड़ देंगे। यहाँ दोस्तों इस बात का जिक्र भी किया जा सकता है कि फिल्म पहली नज़र में महान पार्श्व गायक मुकेश जी ने अपने करियर का आगाज करते हुए मशहूर गीत दिल जलता है तो जलने दे गाया था। अपने समय की बेहद मशहूर गायिका शमशाद बेगम ने इनके लिए अनेक यादगार गीत गाए और इन दोनों ने एक सुपरहिट कॉम्बिनेशन तैयार किया था। इसके बावजूद सच यही है कि इनका नाम एक डांसर के रूप में ही हुआ। 50 के दशक में इनका नाम और भी लोकप्रिय होता गया। ये ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों का जमाना था। 1952 में महबूब खान ने एक रंगीन फिल्म बनाई थी आन, और इस फिल्म में भी कुकू को लिया गया था। ये अलग बात है कि 1960 के दशक के शुरुआती सालों तक कुकू ने छिटपुट काम किया, लेकिन आन और उसके बाद गुरुदत्त स्टारर मिस्टर एंड मिसेस 55 के बाद धीरे धीरे इन्होंने फिल्मों को अलविदा कह दिया क्योंकि इनकी जगह लेने को नई अभिनेत्रियों की खेप तैयार खड़ी थी। माना जाता है कि साल 1962 की फिल्म गर्ल्स हॉस्टल इनकी बड़ी और आखिरी फिल्म थी। दुनिया है चार दिन की, दिले चाहे मर ले हो, डरना मोहब्बत
इसके बाद इनको कोरस में काम करने के इक्का दुक्का मौके और मिले। कुकू ने अपने लिए उस समय नाम पैदा किया जब नरगिस, मीना कुमारी मधुबाला और बीना देवी जैसे बड़े नामों की धूम थी। हिंदी फिल्मों में जिस नृत्य को कैबरे के नाम से ख्याति मिली वो कुकू की देन थी। 40 और 50 के दशकों में हिंदी फिल्मों में नृत्य का मतलब कुकू होता था। कुकू के रिटायरमेंट के बाद के दशकों में जिस अभिनेत्री ने डांसर के तौर पर खुद को एक कल्ट के तौर पर स्थापित किया उनका नाम था हेलेन। दोस्तों हेलेन बहुत बाद में आई और उन्हें भी पहला मौका कुकू की वजह से ही मिला था। कुकू को याद करते हुए एक इंटरव्यू में कहा था हेलेन ने कि मैं उनसे तब मिली थी जब मैं एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ती थी। मेरी मम्मी का उनके परिवार से अच्छा परिचय था और जब मैं एक बार छुट्टियों में आई तो मुझे कुकू के साथ स्टूडियो जाने का मौका मिला। पता नहीं क्यों लेकिन मेरी मम्मी को लगता था कि मुझे भी फिल्मों में काम करना चाहिए। मैं तब बहुत छोटी थी, शायद 12 या 13 साल की। कम शब्दों में कहूँ तो मैं कुकू की वजह से ही फिल्म लाइन में आ सकी। 1951 की बात है दोस्तों, जब शबिस्तान नाम की एक फिल्म बन रही थी, कुकू ने हेलेन को उस फिल्म के कोरस में बतौर ग्रुप डांसर नृत्य करने का काम दिलाया। एक साल तक इसी तरह से काम करने के बाद हेलेन को सोलो डांसर के तौर पर आखिरकार अपनी पहली बड़ी फिल्म मिली थी। सफलता के चरम पर पहुंचने और वहां से धीरे धीरे नीचे उतरने के बाद वो 1963 में रिटायर हो गई। जिंदगी को भरपूर जीने वाली इस अभिनेत्री के साथ भी समय ने वही क्रूर व्यवहार किया जिसकी अकथनीय कथाओं से बम्बई का फिल्म संसार अटा पड़ा था। उनके परिवार और जाति जीवन के बारे में कहीं भी पढ़ने को नहीं मिला। चूँकि समय बीतने पर ऐसी जिंदगानियों के साथ तमाम तरह के मिथक जुड़ते चले जाते हैं, कुकू भी अपवाद नहीं रही। इनके नाम को कभी किसी डायरेक्टर के साथ जोड़कर देखा गया तो कभी किसी नृत्य निर्देशक के साथ। कोई कहता इन्हें हर फिल्म में एक डांस के बदले फिल्म की हीरोइन से भी ज़्यादा मेहनताना दिया जाता था, या ये कि इन्हें 555 ब्रांड की सिगरेट, महंगी नस्ल के कुत्तों, बड़ी गाड़ियों और उम्दा स्कॉच का शौक था। दोस्तों ये भी कहा गया था कि टैक्स की चोरी के आरोप में सरकार ने इनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली थी। दोस्तों कुकू तो चली गई लेकिन इन्होंने हिंदी सिनेमा को कैबरे और डांस के रूप में एक ऐसा अचूक नुस्खा दे दिया था जिसके चलते हेलेन, मधुमति, जय श्रीटी, पद्य खन्ना और लक्ष्मी छाया जैसी नृत्यांगना अभिनेत्रियों ने अपने सफल करियर बनाए। आज के बॉलीवुड में मुख्य धारा की ज़्यादातर नायिकाएं कुकू की परछाइयां हैं। जब बात हो हिंदी सिनेमा की सर्वश्रेष्ठ डांसरों की तो सबसे पहले हेलेन और वैजयंती माला जैसी सदाबहार हीरोइनों का नाम आता है। लेकिन उनसे भी पहले एक ऐसी हीरोइन और कैबरे डांसर रहीं जिनके डांस से सभी लोग कायल थे। जी हाँ दोस्तों, ये थी कुकू मोरे। दोस्तों कुकू मोरे 50 के दशक की जानी मानी कैबरे डांसर रहीं। भड़कीले पहनावे और खर्चीले ढंग के लिए जानी जाती थीं। लेकिन आखिरी वक्त में वो ऐसी फटेहाल हो गईं कि दवाई खरीदने तक के पैसे नहीं बचे। कुकू मोरे हेलेन की पारिवारिक मित्र थी और इनके डांस के सभी लोग कायल थे और खुद हेलेन भी इन्हें खूब मानती थी। डांस करते करते कुकू मोरे में इस कदर स्फूर्ति होती थी कि उन्हें रबर गर्ल के नाम से भी जाना जाता था। दोस्तों ये कुकू मोरे के डांसिंग टैलेंट का ही कमाल था कि कैबरे स्टाइल 50 के दशक में ज़रूरी बन गया था। कुकू मोरे एक डांस आइटम के लिए 6000 रुपये लेती थी जो उस जमाने में ये रकम काफ़ी ज़्यादा थी और कई लोग इनकी इतनी फीस को लेकर जलते भी थे। सिर्फ प्रोफेशनल जिंदगी ही नहीं बल्कि निजी जिंदगी में भी कुकू मोरे खूब चर्चित होती रही थी। कुकू मोरे शान और शौकत की कितनी शौकीन थी इसका अंदाज़ा इस बात से आसानी से लगाया जा सकता है कि इनके पास 3 लग्जरी गाड़ियाँ थीं जिनमें से एक गाड़ी इनके इस्तेमाल के लिए थी, एक इनके कुत्ते के लिए, तो वहीं एक गाड़ी इनकी खास हेलेन के लिए थी। एक से एक फ्लैट और काफ़ी सारी ज्वेलरी इनके पास थी। लेकिन कहा जाता था कि आयकर का उल्लंघन करने के चक्कर में इनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई थी और इसकी वजह से इनके पास कोई पैसा नहीं बचा था। कुकू मोरे का बुरा वक्त शुरू हो गया था। संपत्ति तो गई ही पर साथ ही जिस निर्देशक के प्यार में वो पागल थी वो भी इनकी मदद नहीं कर पाए। लेकिन दोस्तों अचानक ही एक दिन कुकू मोरे को पता चला कि उन्हें कैंसर है। एक आम इंसान ऐसी गंभीर बीमारी के बारे में सुनकर तो टूट ही जाएगा।
लेकिन दोस्तों कुकू मोरे बिल्कुल नहीं टूटी थी और खुद इसका खुलासा हेलेन ने एक इंटरव्यू में भी किया था। हेलेन के मुताबिक कुकू मोरे अद्भुत थी। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, कुकू मोरे कभी नहीं घबराई और हर वक्त मुस्कुराती रहती थी, एकदम कॉन्फिडेंटली थी। सारा पैसा चला गया था दोस्तों इनका, इन्हें फिल्म में मिलना भी बंद हो गई थी। लेकिन मजाल है, जो कुकू मोरे की आंखों में एक भी आंसू आया हो, बल्कि वो तो अपनी स्थिति का खुद ही मजाक उड़ाती थी। आखिरी वक्त में भी दोस्तों इनका ऐसा हाल हो गया था कि फिल्म इंडस्ट्री ने इन्हें गुमनामी में ही छोड़ दिया। दवाई खरीदने तक के लिए भी पैसे नहीं थे, जिसकी वजह से कुकू मोरे अपना इलाज नहीं करा पाई। और तो और फिल्म इंडस्ट्री से भी दोस्तों कोई भी इनकी मदद के लिए आगे नहीं आया था। जब इनकी मौत हुई तो भी दो आंसू बहाने के लिए फिल्म इंडस्ट्री से कोई नहीं आया। और फिर 30 सितंबर 1981 को सिर्फ 52 साल की उम्र में ही इन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। कुकू मोरे तड़प तड़प कर इस दुनिया से चली गई, बस पीछे छोड़ गई तो सिर्फ अपनी यादें।